नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे चिड़चिड़ेपन की। आज का जो माहौल है, आदमी इतनी परेशानियों में है हर इंसान कि वह चिड़चिड़ा होता जा रहा है। आप चाहे घर में देख सकते हैं, आप बाहर देख सकते हैं, हर किसी में चिड़चिड़ापन है। दूसरे की बात आपको बर्दाश्त नहीं है। जब आप दूसरे की बात सुनते हैं तो आप तुरंत उस पर रिएक्शन देने लगते हैं। यही एनॉयंस होती है, चिड़चिड़ापन होता है। जब आप में सहनशीलता खत्म हो जाती है, दूसरे की बात सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। हर बात आपको दूसरे की एनॉय करती है, दूसरे की बात आपको खिजाती है, परेशान करती है। लेकिन साथियों, ये जीने का तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे सामने वाला भी है, उसको भी अपनी बात रखने का हक है। हो सकता है वो बात सही कह रहा हो सकता है वो बात गलत कह रहा हो सकता है वो जो बात कह रहा हो वो सही हो लेकिन आपके नज़रिए से गलत हो, या ये भी हो सकता है वो जो बात कह रहा है वो आपके हित में हो लेकिन आप उसको समझ ना पा रहे हो। तीनों परिस्थितियों में आप में एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, दूसरे की बात सुनने की धैर्य आप खो देते हैं। हम साथियों आपको बताएंगे जीवन में शांति की, जीवन में सुख प्राप्त करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करें ताकि आप समाज में एडजस्ट हो सके, समाज में आप जिसे कहते हैं विलीन हो सके, समा सके, उसमें आप एमलगेट हो जाएं, घुल मिल जाएं। ऐसी दवाएं आपके होनी चाहिए। और जो अपनी ये नई पीढ़ी है, ये खास तौर से इनमें चिड़चिड़ापन है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे बात सुनना नहीं चाहते हैं, बात समझना नहीं चाहते हैं, और अगर आप कुछ कहते हैं जो उनको लगता है कि वो उनके फेवर में नहीं है, जबकि वो बात आप माँ बाप हैं, हम लोग तो किसी के पक्ष में ही बात कहेंगे, लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़ापन उनमें एक आ जाता है और वह परेशान होकर उसका विरोध करने लगते हैं। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं आपको इस चिड़चिड़ेपन से निकालने की। बस रिक्वेस्ट एक है, एनॉयंस यानी चिड़चिड़ापन तमाम मेडिकल कंडीशंस का रिजल्ट हो सकता है, इसलिए जो भी इसमें वीडियो में आपको दवा बताई जा रही है वह आप किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लें तो बेहतर है। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको चिड़चिड़ेपन यानी एनॉयंस यानी खींच जो मन में होती है उसको दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो होम्योपैथी में आपकी खिजाहट खत्म करने की, चिड़चिड़ापन खत्म करने की, एनॉयंस खत्म करने की है, वह है स्टेफिसैग्रिया। स्टेफिसैग्रिया 30 इतनी अच्छी दवा है कि यदि आप में चिड़चिड़ापन है, एनॉयंस है, तो यह दवा आपके उस एनॉयंस को ख़त्म करके आपके एटीट्यूड को बेहतर करेगी, आपको बेहतर करेगी। स्टेफिसैग्रिया का साथियों सिम्टम होता है कि इसका जो पेशेंट होता है वो चिड़चिड़ा तो होता ही है, साथ में उसमें वायलेंस का भी एंगल होता है। यानी जब वो आप बात कही और उसको लगा वो बात उसके फेवर में नहीं है और आप कह रहे हैं, तो वो आपको मार भी सकता है, उसके हाथ में जो सामान है उससे मार सकता है, आपको अब्यूज कर सकता है। तो अगर यह सिम्टम आप देखते हो कि कोई व्यक्ति आपके परिवार में ऐसा हो, या आपको लगता हो आप ऐसे हैं कि अगर आपके मन की बात नहीं हुई तो आप मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, आप वायलेंस पर उतारू हो जाते हैं, आप अब्यूसिव हो जाते हैं, अगर यह स्थिति हो साथियों, तो फिर स्टेफिसैग्रिया बहुत कारगर दवा है। यह दवा आपको ठीक करेगी, आपके चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करेगी, आपकी मेंटल स्टेट को यूनिफॉर्म प्लेन में लाएगी और आपको खुश रखेगी। एक साथियों स्थिति आती है कि आपको बहुत जल्दी किसी से चिढ़ जाते हों, बहुत जल्दी किसी से खींच खा जाते हों, लेकिन फिर सामान्य स्थिति में भी आ जाते हों। तो अगर यह हो कि आपका एक चेंजेबल पोजीशन हो कि बहुत जल्दी उलझन खा गए लेकिन 4-5 मिनट में फिर सामान्य हो गए और फिर नॉर्मल बात करने लगे, तो अगर एनॉयंस की आप नया स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम है। आप एस्कुलस 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपकी मन की उलझन की लहट को ख़त्म करेगी, आपके एनॉयंस को ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी, आपके दिमाग को राहत देगी। एक दवा साथियों आती है होम्योपैथी में, स्थिति आती है कि कुछ भी सुन नहीं सकते। अगर यह स्थिति हो कि आपकी मेंटल की आप कुछ भी सुन ना सकते हो, तो उसको आपकी उस मेंटल कंडीशन को, आपकी दिमागी कंडीशन को दूर करने की बहुत कारगर दवा है कोकुलस इंडिकस।
आपको कुलर 200 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके चिड़चिड़ेपन को दूर करेगी। दूसरे जो बात कह रहे हैं, आपको सुनने उसको सुनने समझने की क्षमता पैदा करेगी और आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। एक स्थिति आती है साथियों, अपने परिवार के बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिना किसी कारण के चिड़चिड़ापन करते हैं, उलझन खाए रहते हैं, बात नहीं करते हैं और वायलेंट भी हो जाते हैं। तो अगर बच्चों में आप एनॉयंस की स्थिति देखते हो, एंगर की स्थिति देखते हो, चिड़चिड़ेपन की उलझन की स्थिति देखते हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ट्यूबरकुलाइनम। आप ट्यूबरकुलाइनम 200 पावर में एक खुराक वीकली 2 महीने तक दे दें, देखेंगे कि आपके बच्चे के जो है वो मानसिक और हृदय परिवर्तन हो जाएगा और जो है वह बच्चा अपने को बेहतर महसूस करेगा और आप ही अपने को बेहतर महसूस करेंगे जब उसमें उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। एक साथियों कंडीशन आती है एनॉयंस की कि आपको रोशनी या शोर से बहुत चिड़चिड़ापन होता है। अब बच्चे मान लीजिए बाहर कमरे बाहर नेक्स्ट कमरे में जहाँ टीवी लगा ड्राइंग रूम में वहाँ पे कार्टून देख रहे हैं, आप साहब अंदर बैठे हैं या हम अंदर कमरे में बैठे हैं और जब टीवी तेज चला तो जो है हम तुरंत गए भैया टीवी बंद करो या टीवी धीमा करो। तो यह जो एक चिड़चिड़ापन होता है एनॉयंस होती है इस तरह की कि आपको लाइट और साउंड की आवाज़ें और लाइट की रोशनी आपको पसंद नहीं आती है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सनिक एल्बम। आप आर्सनिक एल्बम 32 बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। अगर आप में एनॉयंस यानी चिड़चिड़ापन हो, आपको रोशनी और लाइट से दिक्कत हो, आप नेचर से फास्टिडियस हो, फास्टिडियस मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से व्यवस्था चाहते हो कि 10 बजे के बाद टीवी बंद हो जाए, 10:01 पर टीवी ना चले घर में रात में, और आपको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती हो, गला सूखता हो, इन परिस्थितियां अगर आप में है तो उसको ठीक करने की दवा आर्सनिक एल्बम है। आप आर्सनिक एल्बम को लेके अपने को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, आ सकती है किसी बच्चे में कि बिल्कुल अनकंट्रोलेबल उसमें उलझन हो, स्कूल जाता हो तो टीचरों और बच्चों से लड़ता हो, घर में रहता हो तो भाई बहनों परिवार मोहल्ले में लड़ता हो, खेलता कूदता ना हो, बहुत वायलेंट हो, वायलेंट मीन्स मारपीट और अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाता हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों की अनकंट्रोलेबल उसमें एंजाइटी एंगर और एनॉयंस हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फास्फोरस। आप फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं। यह दवा उसका जो अनकंट्रोलेबल एंगर है और अनकंट्रोलेबल उसके एनॉयंस है उसको ठीक करके बच्चे को ठीक करेंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आप किसी से बात कर रहे हो, एकदम से आप इतने चिड़चिड़े हो गए कि वो बहसा बहसी में हो गई, बहस होने लगी यानी उस पर डिबेट होने लगी, और डिबेट होने के बाद आप और दिमागी तौर पे परेशान हो गए। तो अगर एनॉयंस की आपकी यह स्थिति हो साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोनियम। आप कोनियम मैक्युलेटम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर हर हफ्ते ले सकते हैं कि अगर आपको छोटे छोटे विषयों में आपको बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता हो और आप एक दूसरे पर वायलेंस पे भी उतारू हो जाते हो, तो कोनियम की वीकली खुराक आपको राहत देगी, आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। ये साथियों एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि दवाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं थी खासतौर से आपके परिवार के बच्चों के लिए। इस वीडियो का मकसद है साथियों कि ये जो समाज है इसमें हर आदमी की राय अब इतनी सशक्त हो गई, इतनी प्रबल हो गई है कि हर व्यक्ति अपनी राय रखना चाहता है और हम लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं। उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि उसमें से अच्छी चीज़ को निकालना है। जब आप दूसरे की बात सुनेंगे तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तमाम प्रतिष्ठान होते हैं उसमें हम लोग चाहते हैं और कभी राय देते हैं तो जो कुर्सी पर बैठा होता है उसका मैनेजर हो या मालिक हो जो भी हो वो चिढ़ जाता है। तो मैं यही कहता हूं कि भाई मैं तो तुम्हारे भले के लिए राय दे रहा हूं, मैं तो ये मिठाई लेने आया हूं, मिठाई लेके आपकी शॉप से चला जाऊंगा, मुझे पसंद आएगा मैं दोबारा आऊंगा, पसंद नहीं आएगा दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन आपको एक बगैर पैसा मुफ्त में राय दे के जा रहा हूं जो आपकी दुकान की कमी है। तो इसको सुनने में क्या बुराई है, आपको अच्छा लगे आप ग्रहण कर लीजिए, ना अच्छा लगे भूल जाइए। बहरहाल ये साथियों दवाएं थी आपके एनॉयंस को ख़त्म करने की। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे नोटिफिकेशन पैनल में दिया है, इस पर आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे
YouTube चैनल के नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा होगा और उसे सब्सक्राइब कराने को प्रेरित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके सबसे पहले हमारा सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, इतनी देर साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।